हाय एवरीवन, आज के वीडियो में हम प्लिंथ बीम स्टील के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि प्लिंथ बीम में मिनिमम डाया आप बार कितना यूज करेंगे। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, प्लिंथ बीम बिल्डिंग का बेहद ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि प्लिंथ बीम बिल्डिंग के सभी कॉलम को कनेक्ट करके रखता है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर लोड को अर्थ पर ट्रांसफर करने में कॉलम की हेल्प करता है। ओके दोस्तों, कॉलम या बीम में स्टील यूज करने का एक ही मोटिव होता है कि हमारे बिल्डिंग की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी हो। ओके दोस्तों, कॉलम बीम स्लैब में स्टील यूज करने से बिल्डिंग की टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज कर, जिससे अर्थक्वेक के समय हमारी बिल्डिंग इमीडिएटली नहीं टूटती। ओके जिससे अर्थक्वेक के समय हमारी बिल्डिंग में क्रैक जो है वो बहुत कम आते हैं, बिल्डिंग की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होने से। दोस्तों, बिल्डिंग की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होने से अर्थक्वेक के समय हमारी बिल्डिंग जो है वो पूरी तरह से सेफ रहती है, इमीडिएटली हमारी बिल्डिंग जो है कोलैप्स नहीं करती। ओके सो दोस्तों, प्लिंथ बीम में हमें मिनिमम डाया आप बार 12 mm से कम नहीं यूज करना है। ओके सो दोस्तों, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि प्लिंथ बीम में हमें मिनिमम डाया आप बार कितना यूज करना है, आपको यही आंसर करना है कि प्लिंथ बीम में हम मिनिमम डाया आप बार 12 mm से कम नहीं यूज करेंगे। ओके दोस्तों, अगर आपकी सोसाइटी में कोई ऐसा घर बन रहा हो जिसके प्लिंथ बीम में 12 mm से कम डाया आप बार यूज कर रहा है, तो आप उनको इसके लिए एडवाइस कीजिए, इसके बेनिफिट के बारे में बताइए। ओके दोस्तों, दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि ड्राइंग, डिजाइन, एस्टीमेट, कॉस्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचती रहे। ओके दोस्तों, बाय। इंजीनियरिंग टिकटॉक चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ड्राइंग, डिजाइन, एस्टीमेट, कॉस्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ।